मसाला, वो मसाला इतना ज़बरदस्त है भाई, कोई सी चीज़ बना लो, दाल बनानी है वो मसाला डाल दो, है चावल बनाने वो डाल दो, सब्जी बनानी वो डाल दो, चिकन बनाना है वो डाल दो, मतलब एक मसाले में सारे काम हो जाते हैं। महेश भाई आपकी रोटियों के फैन होने वाले लोग, आपको बस अभी मैं उधर से नीचे की ओर आया तो देख लिया यार, अभी सोच नहीं था कि मिलेंगे, कैसे हैं आप? सो हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं निशांत और अभी हम लोग हैं एक हॉन्टेड लोकेशन पर, इसको बोलते हैं एबट माउंट। कल हमने जो है यहां पर आके टेंट लगा लिया है, अभी शाम के करीब 6:30 बज रहे हैं या फिर 6 बज रहे हैं, तो अंधेरा होने वाला है ऑलमोस्ट, तो हमने सोचा आज यहां पर कैंप करते हैं और खाना वाना बनाएंगे बढ़िया से और खा के फिर सो जाएंगे, सुबह जो है जर्नी करनी है लंबी, तो इसलिए अभी जो है अंधेरा होने वाला है उससे पहले जो है अपना पूरा सेटअप कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, खाना वाना बनाएंगे और मस्त खाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर जो है होगा करीब 6-7 डिग्री, ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब जहाँ से हम लोग आए हैं उस हिसाब से तो काफ़ी कम है, गुंजी में हमने जहाँ पे कैंप किया था वहाँ पे -4 था रात में, तो उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा ठंड नहीं है। जैकेट पहने क्योंकि ठंड है नहीं तो ज़्यादा लगती है। आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी और भाई रोटी बनाएंगे, चावल और रोटी, सब्ज़ी रोटी खाएंगे मस्त और उसके बाद सोएंगे, तो उसके लिए तैयारी करते शुरू। सबसे पहले हमें सब्ज़ियाँ काटनी है, प्याज टमाटर, लो दाल लगा दो उसमें थोड़ी लगेगी मुझे, एक तो किस चीज़ से लगा रहे हो? उंगली से। अच्छा, हमारी उंगली को हल्के में ले रहे हो, उंगली से दाल लगा रहे, देख रहे हो, माना कि आप दूध दही घी खाते हो, इतना भी नहीं है कि उंगली से दाल लगा दोगे। पतली पतली काटनी है प्याज तो आप काट लो, ये धार ज़्यादा तेज नहीं है ना इसमें, मस्त चॉपिंग होनी पड़ती। बादल तो उस दिन भी ना थे कि बड़ू उठाया था, वहां पे वो तीन शेड चाहिए वो भी नहीं देखा है, जाके क्या चीज है, ज्यादा बारिश बारिश हो तो उसके नीचे पड़ जा भाई, ठीक है फिर क्या टेंट। वाटरप्रूफ टेंट का फायदा क्या है अगर बारिश में वहाँ बढ़ना पड़े, मौसम तो है ही नहीं, एकदम क्लियर है।
की बनेगी पनीर की सब्ज़ी। तो पहले डाल दें हम ऑयल, बस थोड़ा जला लेते आज। खूब सारी प्याज और खूब सारा टमाटर काटे और हमारा तेल जल के सारा सारा अंदर धुआं भर गया। पहले डलेगा नमक, पिटारी में से पहले नमक निकला है और इसके बाद निकलेगा जादुई मसाला। जादुई मसाला, वो मसाला इतना जबरदस्त है भाई, कोई सी चीज बना लो, दाल बनानी है वो मसाला डाल दो, है चावल बनाने वो डाल दो, सब्जी बनानी है वो डाल दो, चिकन बनाना है वो डाल दो, मतलब एक मसाले में सारे काम हो जाते हैं। कतई जहर पतंजलि, फिर हलवा हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई सब्जी हमारी बन गई है, डाल रहे हैं हम इसमें पनीर। जैसे तीन लोग खा लेंगे इतनी सब्जी गई है। कोई ऑडियंस में से आना चाहता है तो आ जाओ ये भूतिया एबर्ट माउंट पे। देखने से तो लग रही है मस्त बनी लग रही है, और लोग देखते हैं। नमक चेक कर ले एक बार। तो गाइज़ हमारी जो है पनीर की सब्जी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, अब टाइम है रोटियां बनाने का और रोटी बनाने के एक्सपर्ट है हमारे महेश भाई। तो महेश भाई पहले आटा गूंदेंगे और फिर हम बनाएंगे रोटियां। तीन रोटी मेरी बना लो, बाकी आप देख लो अपनी। दो डोगी की बना देंगे एक तो यार, है ना। हाँ ठीक है, वो भी खा लेंगे। सुबह डोगी को दे देंगे, अभी आ जाएगा तो अभी खिला देंगे। एक्सपर्ट इन आटा गूंदी महेश भाई के घर में सब देखेंगे, कहेंगे वाह क्या बढ़िया आटा गूंदा है, चलो आज से रोज तुम ही गूंदना। तो घर वालों को तो पता है ना।
वहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं। नहीं वहाँ पे बनाते हो ना, दिखाया नहीं ना कभी आपने। महेश भाई आपकी रोटियों के फैन होने वाले लोग, अगली बार ना कुकर लेकर आएंगे। चलो भैया आटा हो गया हमारा रेडी मस्त एकदम। चूरमा बनाओ। चूरमा बनाएंगे कैंपिंग में। हाँ अगली बार का मेन्यू डिसाइड हो गया भाई, अगली बार चूरमा बनेगा, घी चूरमा मस्त, और दाल बाटी। दाल बाटी भी बना लेंगे आग जला के। लिट्टी चोखा देखो वो तो मुझे आती नहीं, तो चोखा बनाना बहुत आसान है। तो अगली बार का मेन्यू डिसाइड हो गया। तो रोटी बेलने का काम शुरू हो चुका है। एक बार हमने आलू के पराठे बनाए थे तो पहले ही आटा ज्यादा गूंदा हुआ। तो गाइस एक रोटी बन गई है, सेकंड इधर है, ऐसे ऐसे सेक रहे हैं हम। देखो फूलने भी लगी, ये फूली। ये देखो तवे पे रोटी फुला दी हमने। खोलो भाई सब्जी दिखाओ। तो गाइस ये है हमारी पनीर की सब्जी, काफ़ी सही लग रही है यार। और ये हमारी रोटियां भी बन गई हैं। थोड़ी सी क्यों लेगा, थोड़ी ज़्यादा सी यार, मस्त लग रही है सब्जी देखने में। आई थिंक इनफ है, बस। तो गाइस ये हमारी पनीर की सब्जी। रोटियां भाई नेक्स्ट लेवल बन गई है, गोल गोल एकदम, और फूल भी गई आज तो बढ़िया से। मेहनत जरूरी है ना, खुद काम करते हैं तब ये पता चल जाता है कि हाँ हम रोटियां बना के खा सकते हैं। बढ़िया बनी है भाई। तो गाइस डिनर वगैरह हमारा हो चुका है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी यार, मजा आ गया। और रोटियां खा के ना मतलब संतुष्टि से मिल जाती है, तो डिनर में ना रोटी की सब्जी सबसे बेस्ट रहती है। तो अभी हमारा जो है डिनर हो चुका है, सब्जियां हमने खा ली है, रोटी हमने खा ली है, और अभी जो है हमने बर्तन भी अपने सारे धो डाले हैं ताकि हमारे को सुबह कुछ भी दिक्कत ना पड़े और हम जो है जल्दी से यहाँ से निकल सके, क्योंकि सुबह हमें कल बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा जाना है, जिसकी वजह से हमें जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी उठ के यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ पैक करके अभी सो रहे हैं, स्लीपिंग बैग निकालता हूँ क्योंकि ठंड तो यहाँ पे अच्छी खासी है, 6-7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हम -4 में कैंपिंग करके आ चुके हैं तो इसलिए इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है। तो फिलहाल गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, सुबह का नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पे कैसा होता है। अभी थोड़ा फॉगी सा हो रहा था तो सुबह देखते हैं कैसा होता है। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सब सामान समेटेंगे, पहले कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी पी के फिर निकलेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, धुएं निकल रहे हैं मुंह से, तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी के फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है, थोड़ी थोड़ी सी लाइट्स आनी शुरू हुई है, तो थोड़ी लाइट हो जाए फिर यहाँ से सामान समेट के निकलते हैं, तब तक कॉफ़ी पी लेंगे। तो चलते हैं। बस बस अभी मेरे को घर भी जा रहे, वहां पे एक और कुत्ता है, वो कहेगा किसकी स्मेल आ रही तुम्हारे अंदर से।
तो जी सामान वामान सब हमारा लोड हो चुका है और दिन भी निकल आया है, तो कोई टेंशन नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, सीधा बाइक पे मिलते हैं, तो चलते हैं। चलो चलते हैं अब। तो गाइज़ हम लोगों ने चंपावत जो है पार कर लिया है, और उसको पार करते ही एक ढाबा सा दिखा हमें, तो यहाँ पर हम रुक गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आज खाएंगे हम प्याज के पराठे और साथ में जो भी होगा चाय शाय। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, धूप थोड़ी सी निकल आई है, ठंड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी है, ओस गिर रही है यहाँ पर। ब्रेकफास्ट करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक टनकपुर पहुँच जाए, और फिर टनकपुर से हमारे को लगेंगे 7-8 घंटे, मतलब शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते घर। जी भाई हमारा ये ब्रेकफास्ट हो गया, प्याज के पराठे, छोले, दाल, चने। पराठा बढ़िया बना है, छोले भी बढ़िया है। आपने पढ़ा था क्या? मैं इधर से हूँ, आप मिलने कैसे मिलेंगे? चलिए आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए आराम से, बहुत बढ़िया हो गया आप लोग के साथ मुलाकात हो गई। चलिए मिलते ही हो आप, मैंने बोला यार देखिए अभी किसको देखे ना, चलिए मिलना होता तो मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करता हूँ मैं आपको। ओके, तो जी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, बहुत ही बढ़िया था यार, खाना बहुत अच्छा था, पराठे भी बढ़िया थे और पकोड़े भी बढ़िया थे, वो भाई साहब काला काला धुआं। तो अभी हम लोग जो है बहुत तेज़ी से नीचे उतर रहे हैं, टनकपुर रह गया है 58 किलोमीटर्स, जिसको लगेगा 1.5 घंटा, तो फटाफट नीचे प्लेन्स में पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चलाने में सीधी सीधी चलानी है तो चलती रहेगी बाइक। तो भाई अब ये हमारा लास्ट ब्रेक है और गढ़मुक्तेश्वर पार कर लिया है, अब भाई जो है अलग रास्ते से जाएंगे, मैं अलग रास्ते से जाऊंगा आगे, तो बाय बाय भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। और अभी हमारे घर का रास्ता है 86 किलोमीटर्स। गाइस फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं, और राइड जो है काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी लंबी थी लेकिन मज़ा आया, और घर पे पहुंच के काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूं, नहा धो चुका हूं, रेडी हो चुका हूं। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स में बताना अपने व्यूज़, और जैसा भी लगा है नीचे कमेंट में आप बता सकते हो, लाइक ज़रूर कर देना ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोज़ बनाने की। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की कहानी के साथ, फिर मिलेंगे।